हेलो एवरीवन, आज मूडी फूडी भाई एमा में बन रहा है मटर कुलचा चाट, दिल्ली का फेमस, जिसमें कि कुछ भी तेल नहीं डला होगा मटर में। ये लिए है मैंने मटर, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। आप मटर और छोले में डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आपके पास मटर अवेलेबल नहीं हो, ना मिलते हो तो छोटे साइज के जो छोले होते हैं, सफ़ेद छोले, वो भी आप इसमें ले सकते हैं। मैंने पानी में से मटर को निकाल लिए हैं और थोड़ा सा पानी और डालकर इसको, जब तक ये गल ना जाए तब तक उबाल लेंगे नमक और हल्दी डालकर। ये हमारे मटर गल गए हैं, इतना ही हमें इसमें पानी रखना है, क्योंकि हमारी चाट मटर जो है सूखी सूखी बनती है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनती है। ये मैंने अपने ले लिए हैं मटर। इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, नमक डाल देंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून डल जाएगा, ये मैंने 2 लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। चाट मसाला डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तीखी लाल मिर्च डालना चाहें वो भी डाल देंगे, लेकिन मैंने हरी मिर्च डाली थी इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा भी डालेंगे। सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इन सब मसालों को कर देंगे मिक्स। इस मिक्स करने के साथ साथ हम डालेंगे कुछ और चीज़ें, जिसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, क्योंकि हम इसको कोई तड़का या कुछ नहीं लगा रहे हैं, ये चाट ऐसे ही बनती है। हरी मिर्च मैंने एक बारीक बारीक काट के डाल दी है, टमाटर छोटे छोटे काट दिए हैं, आधा मैंने नींबू निचोड़ दिया है। सबको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और ये चाट आपकी बनके तैयार है, मटर बनके तैयार है। दिल्ली में ठेले वाले भैया ऐसे ही बनाते हैं। ये मेरे पास आंवला धनिया पत्ती की ग्रीन चटनी थी, मैंने वो भी डाल दिया। जब तक थोड़ी तीखी और चटपटी ना हो तब तक चाट का कोई मजा नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, नहीं अवेलेबल है तो मत डालें। इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी है, अमचूर पाउडर भी डलता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो थोड़ा सा आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, खट्टे के बिना इसका टेस्ट नहीं आता है। ये मैंने अपना तवा गर्म कर लिया है और मार्केट से लेके आए थे हम कुलचा, घर पे नहीं बनाया है, मार्केट से ही लेके आए हैं। इसको हम दोनों तरफ से बटर से अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये रेड ना हो जाए। कच्चापन आता है अगर अच्छे से रेड नहीं होगा तो, इसलिए इसे अच्छे से सेकना बहुत ज़रूरी है मीडियम टू स्लो फ्लेम पर। ये हमारा कुलचा सीख गया है, करते हैं हम इसको सर्व की तैयारी। वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और खाने में बहुत ही टेस्टी, कम तेल का ये है खाना। कुलचा हमने गरम गरम लगा दिया है, आप इसके साथ कोई भी अचार, जैसे सर्दी है गाजर गोभी का अचार भी रख सकते हैं, हरी मिर्च का अचार भी, मैंने हरी मिर्च का अचार लिया, मुझे तीखा खाना चाट में ज़्यादा पसंद है। ये मैंने ले लिए जो मटर तैयार किए थे गर्मा गर्म, वो इस पे हम गार्निश के लिए डाल देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, चुकंदर की मैंने पतली पतली 2 से 3 स्लाइसेस की हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, अदरक के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। मुझे नहीं पसंद है अदरक खाना, मेरे ना ही मेरे घर में कच्चा अदरक खाना, इसलिए मैंने नहीं डाली है। थोड़ा सा धनिया पत्ती के साथ इसको करेंगे हम गार्निश और आपकी ये चाट ठेला स्टाइल दिल्ली की फेमस मटर कुलचा की चाट तैयार है। आप इसे खाइए, अपने मेहमानों को सब